तो हेलो भाई लोग, तो हम आज फिर खेलने वाले लास्ट लैंड ऑफ सर्वाइवल। यह है ब्लडी सर्वर और हम खेल रहे हैं अपने लीजन के साथ पूरे। ठीक है, पूरा फुल लीजन है अपना। यहाँ पे पूरे 10 बंदे एक साथ खेलेंगे और साथ ही साथ अपना ये सर्वर का है पता नहीं कौन सा दिन, क्योंकि मैं लास्ट अभी सबसे लास्ट लीजन मेंबर मैं ही हूँ और मैं ही ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस क्या सीन होता है और क्या नहीं। और मुझे टर्फ नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे टर्फ का कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आया था अपना वीडियो बनाने और देखने कि आखिर जो लीजन वाले खेलते कैसे। ठीक है, मैं पहली बार खेल रहा हूँ लीजन के साथ और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा है मुझको, पता नहीं क्यों, बट हाँ क्योंकि इनके बेस में ना भर भर के लूट रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और मतलब ये ब्लडी सर्वर है शायद इसलिए इतना अच्छा खासा लूट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं फार्मिंग करने गया था उस टाइम पे, मतलब स्टोन कुछ 2200 के आसपास और जो अपना वुड है वो 1200 मिल रहा था, फिर सल्फर मिल रहा था 300 या 315 या 325 के आसपास। ठीक है, मतलब ऐसा काउंटेबल नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा भर दिया था मैंने 15-20 मिनट के अंदर, देखो। ठीक है, और बहुत सारे फार्मिंग करके मज़ा आया। एक बंदे को किल भी कर दिया आते ही मैंने, तो मज़ा आया। ठीक है, और जो गन देख रहे हो आप, इनके बेस में ऐसे गन बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे चिमकंडी इतने सारे डोर लगा दिए ना बंदों ने कि क्या बताऊँ गाइस, मैं तोड़ते तोड़ते परेशान हो गया। और वैसे नॉर्मली इस बेस को रेड करना इजी है एकदम, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने इस बेस के डिज़ाइन को देखा है। अगर कोई भी बंदा अगर चाहे तो रेड कर सकता है। मैंने इस बेस को साइड से देखा है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि जहाँ पे कैबिनेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब अंदाजन एकदम मिडिल में कैबिनेट होगा इस बेस के, तो कोई भी बंदा चाहे तो रेड कर सकता है इसको। तो मुझे पता नहीं कौन इसको डिज़ाइन किया है, तो मुझे उसके डिज़ाइन पे थोड़ा डाउट हो रहा है, उसने सही से डिज़ाइन नहीं किया मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बस डोर लगाने से परेशानी बढ़ती है, सेफ्टी नहीं बढ़ेगी गाइस लिटरली। देखो यहाँ पे अगर कोई भी लाएगा लेके कोई रैंडम प्लेयर आ जाएगा एकदम, देखो सीढ़ी लगा के कोई भी रैंडम प्लेयर छत के ऊपर पहुंच जाएगा और वहाँ से एंट्री मार सकता है कहीं से भी। ठीक है, और वॉल पे भी कहीं पे और कुछ नहीं लगा है जिससे वॉल से भी आना एकदम पॉसिबल है। ऊपर ग्लाइडर का ऑप्शन लगा के रखा है, उसे मैं बेस को दिखा देता हूँ पहले। उसे बेस की तैयारी जिस लेवल की है तो अच्छा है, बट जिसने बनाया उसमें और थोड़ा सा इसमें ऐड करते चीज़ें तो अच्छा होता। ठीक है, जैसे साइड पे कुछ रूफ वगैरह लगा देते छोटे मोटे तो अच्छा रहता, जिससे कोई एंट्री ना ही हो पाती, मतलब किसी की एंट्री ही नहीं हो पाती। और बाहर के डोर पे लॉक लगाना चाहिए था ये सब डोर पे, कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे मैं लॉक इतने सारे लॉक है ना गाइस, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे थे एक टाइम पे, तो मैं लॉक क्लिक करते करते मतलब कोड पे। देखो कितने सारे बेस, मतलब बेस के कितने सारे डोर भाई साहब, और एक में भी सीढ़ी नहीं है, सारी जगह रूफ लगा लगा के रखा है, एकदम मस्त कूद कूद के जाना पड़ा है। अब लीजन बहुत पुराना है, मेरा दोस्त बोल रहा था मतलब इनको खेलने का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो अब देखते हैं। और मुझे तो है ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं गाइस, लेकिन मैं जिस टाइप से देख रहा हूँ सर्वर को तो ईजी है बेस को रेड करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। अब मैं खुद खेल रहा हूँ, मैं खुद बोलूँगा तो फिर पता चला है, लीजन वाले अगर ये वीडियो को देख लेंगे तो मुझे फिर बोलेंगे कि तू ऐसा ऐसा करता है। ठीक है, तो दिल पे मत लेना लीजन वालों, मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसा, मतलब अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये ऐसा चिमकांडी गिरी है बेस का। ठीक है, अब ये हो चुका है एकदम टॉप पे, और साइड वाला जो टावर है यानी जो भी पिलर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पता नहीं इसको यार, जो भी है, तो यही यहाँ पे फाइटिंग एरिया है शायद, मतलब शूटिंग एरिया, फाइटिंग एरिया बोल रहा हूँ मैं, तो इजी बीजिए गाइज। वैसे ये वाला मस्त बनाया। ठीक है, देखो एकदम सिंपल है, बीच में स्टील का बनाया, मतलब वहीं पे कैबिनेट होना चाहिए, तो वहीं पे अगर कोई भी ग्लाइडर लेके आ सकता है ना इजिली, और ग्लाइडर लेके ना भी आए तब भी सीढ़ी लगा के आ सकता है एनिमी आके। क्या नहीं, शायद अपना लीजन के बंदे आ चुके होंगे, तो क्या बोले, इन लोगों ने अच्छा खासा मेहनत किया है दोस्तों। मस्त बनाया, नहीं तो इसको पूरा आयरन से बना दिया है बाहर से, अंदर से तो, और बाहर से स्टोन का रखा है और स्टील का भी है, बस टाइटेनियम शायद अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतने सारे लॉग है, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ समझ में नहीं आया। पूरे बेस के अंदर
डोर ही डोर लगा के रखा है इन लोगों ने। अब तो मैं परेशान हो गया था, ठीक है। कई जगह पे कोड शायद किसी ने अलग डाल के रखा है, मतलब एक दो डोर पे ना लॉक अलग है, ठीक है, और बाकी में सब में सेम है, बट एक दो में अलग अलग है, तो इसलिए मैं कई बार नॉक हो चुका था उस उन डोर के चक्कर में। अब देखते हैं गाइस क्या सीन होता है और क्या नहीं होता। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मैं अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, जिसके साथ मैं अभी फ़िलहाल जो है टीम में हूँ, ठीक है। सुजल नाम है उसका, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो उसको यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके चैनल का मैं आपको यहाँ पे नाम मतलब पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, तो उसको प्लीज़ आ जाके सपोर्ट कर देना। अभी अपने यूट्यूब पे LDIS का वीडियो अपलोड करता है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट कर देना दोस्तों, यहाँ पे ईजी पीजी। मैं वैसे उसी के साथ आया हूँ, अब क्या बोलूँ इसको कि इस बेस में कहाँ से आऊँ कहाँ से नहीं। मुझे बैग तो मिल चुका है, लेकिन एक ही बैग मिला है, पता नहीं है मैं कहाँ मरूँ क्या नहीं। देखो अब यहाँ पे अगर एक भी वॉल टूटा गाइस तो पूरे बेस के अंदर आ सकता है बंदा, नहीं तो पहाड़ का इतनी सारी मेहनत करना एकदम बेकार काम है, सच बता दो। यहाँ पे अगर एक एक रूफ ही डाल देते लाइन से तो अच्छा रहता, तो बंदों को दोबारा मेहनत करना पड़ता एक और रूफ ही तोड़ने में, ठीक है। तो फिर चलते हैं अभी इसके अंदर और देखते हैं। अभी देखो पासवर्ड डालते डालते कितना टाइम हो गया गाइस, काम खत्म हो जाएगा मेरा लग रहा है। सिमिलर पासवर्ड और मैं गया, अब क्या बोले यार लिटरली। चलो शॉटगन गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा होगा, तो उसको ले जाने के लिए मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा, फर्नेस में कुछ नहीं है। और एक तो गाइस ये मुंडी लोग बीच में आ जाते हैं, क्या बोले। यो कौन है ये, हूँ मैंने, कौन हो तुम, अपने लीजन का बंदा है गाइस, पता नहीं कौन है। और मैं लीजन तो अभी जस्ट स्टार्ट मतलब ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे उतना कुछ मतलब खास पता नहीं है कौन कहाँ से है और क्या नहीं है, पता नहीं कौन कौन से कंट्री से खेल रहा है ये भी नहीं पता लिटरली। बस एक ही को जानता हूँ, वो भी सुजल को, जो मुझे बुला के इसी गिल्ड मतलब गिल्ड बोलते हैं फ्री फायर में, और LDIS में लीजन बोलते हैं, जो दूसरे गेम वाले का देख रहे हो तो ठीक है उनको बता दूँ। और यहाँ पे बेस तो ठीक है, बट लूट रूम कहाँ है गाइस मुझे मिल नहीं रहा है। लूट रूम भी था यहाँ पे, मैं जब गेम खेल रहा था तब मैंने देखा था, बट पता नहीं किसते कितने टाइम पे था, इसलिए मैं पूरा लाइन से घूम रहा हूँ गाइस। अभी क्या बोले, मैं कैबिनेट वाले सेक्शन में अभी तक नहीं जा पाया। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अपडेट आ चुका है, और कुछ 92 MB का है अपडेट, तो प्लीज़ अपडेट कर लेना, न्यू इवेंट आ चुका होगा। जब तक आप अपडेट करोगे और आपको न्यू इवेंट देखने को मिलेगा उसके बाद, तो अपडेट करोगे तो आपको इवेंट देखने को मिलेगा, उसको कम्प्लीट करोगे मिशन को तो रिवॉर्ड मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं क्या तो बोलना चाहता हूँ, मैं बोल गया लिटरली, तब क्या ही बोलेगा, इस फाइट हो रहा है क्या, दो दो बंदे गाइस। अब एनिमी लग रहा है, लेकिन बंदे अपने लीजन के ही है। बेस बनाया तगड़ा है, लेकिन मतलब मेहनत किया है, लेकिन उतना अजीब टाइप का मेहनत है, मान लो एकदम जैसा करना चाहिए था मेहनत वैसा किया नहीं है, ठीक है। डोर का है, अरे भाई सब अंदर चला जाता हूँ, पता चला एनिमी आ गए, फिर लीजन वाले बोले कि तो एनिमी को घुसा देता है अपने बेस में, तो फिर अलग ही सीन हो जाएगा। पता नहीं ये वॉल कितने कैबिनेट से बना होगा, 2 कैबिनेट का होगा शायद। और एक बेस में 2 कैबिनेट से रिलेटेड वीडियो बना रखा है पहले से ही, कि आप कैसे एक बेस में 2 कैबिनेट लगा सकते हो दोस्तों। तो ये तो तरीका था अपना पुराना, लेकिन इसमें शायद 1 से ज़्यादा कैबिनेट लगा, मतलब 2 से ज़्यादा कैबिनेट लगा होगा अपने इस वॉल को मतलब बनाने के लिए, ठीक है। अब गाइस ऑपरेशन बेस में भी आप अगर खेलते हो, ठीक है, तब भी आपको इतनी ज़्यादा परेशानी का झेलना नहीं पड़ता, बट वहाँ पे जो फार्मिंग वगैरह है लूट वगैरह है वो कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑपरेशन बेस खेलता हूँ, बट सर्वर मैं अपने दोस्त के कहने पे अभी स्टार्ट कर दिया हूँ, अब देखते हैं क्या सीन होता है और क्या नहीं होता। और पहले वाला सर्वर तो अपने आपको पता ही होगा गाइस, लूट नहीं मिल रहा था करके मैंने छोड़ दिया उसको, लूट ही नहीं मिलता था, सब क्या करे। अब स्टार्ट कर दिया अभी ब्लडी सर्वर, अब देखते हैं क्या सीन होता है और क्या नहीं।
अबे लूट कौन लेके, अच्छा ये लिए गए, अबे मत मारना। अरे अब देखो गाइस क्या मतलब होता है गन ताने घूमना, अगर एक बार भी प्रेस होगा तो मैं खमा खा निपट जाऊंगा। चिमकांडी गिरी करता है और एक बंदे का नाम तो किल फीड में लगातार बार बार आ जा रहा है, मतलब कतई जहर। ए गाइस आ चुका हूँ अपना लूट रूम में, शायद गलती से ही बट आ चुका हूँ लूट रूम में, लूट एरिया। लॉक लगा इसमें चिमकांडी, अब इसमें देखता हूँ। अब एक तो मुंडी रिचअप कर रहा है, अरे भाई साहब चलो ठीक है बहुत बढ़िया। इसमें देखते हैं, ठीक है पर्पल कार्ड नहीं दिखा मुझे, शायद पीछे वाला बॉक्स में था, आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया पर्पल कार्ड का। तो हेड मुंडी उठा लिया, इसमें होगा क्या कार्ड, नहीं इसमें भी कार्ड नहीं है दोस्तों, पता नहीं कार्ड किसके अंदर है, ये तो लॉक है शायद इसके अंदर है। ये अपने सुजल भाई के पास क्या है देखता हूँ, सल्फर है और सुजल भाई के पास, भाई साहब इसके पास भी सल्फर के भरे पड़े हैं एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। गरीबों का एक मिनट मैं ले लेता हूँ, एक जिसका हेल्थ कम है वही ले लेते हैं और पैन भी लेते हैं, 5 HP बढ़ जाएगा। अच्छा है क्या हुआ, अरे डोर ऊपर का खुल गया गाइस, फटाफट चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या सीन है कहीं, फटाफट क्या है मिलता क्या है ऊपर, मुझे कूदना पड़ेगा, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझको, कैसे लग चढ़ते हैं इसके ऊपर बताओ। क्या बोले, सीढ़ी लगा दो तुम लोग सीढ़ी। ओ गन M2 रखे हैं सारे के सारे, साइकिल स्टील आर्मर आयरन आर्मर। ए गन पीछे रख, गन पीछे, सिमकांडी गिरी करेगा मेरे साथ। शॉटगन है मेरे पास, नहीं मेरे पास शॉटगन नहीं है सॉरी, फ्रिज भी खाली, मेडिकेट कहाँ है, सिरिंज कुछ तो मिलना चाहिए ना इस बॉक्स के अंदर, क्या है ग्रीन और ब्लू, ग्रीन ब्लू, इसके पास अरे स्टील आर्मर है, मेडिकेट है, उठा लेता हूँ फटाफट। सिरिंज भी है गाइस, सिरिंज ले लूँ क्या, सिमकांडी गिरी करेगा। चलो गाइस हो चुका है बहुत बढ़िया, अब देखते हैं बाकी के। ए कौन है तू, मैं डर गया था पता है, अचानक आ गया था ना मैं डर गया इसको देख के, इसके डब्बे में क्या है, वो SMG भर के रखा है पूरा इसके अंदर। अरे भाई साहब स्टील तो इससे काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, एक दो डब्बे फुल हो चुके हैं, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ गाइस यही वो लूट रूम है, मतलब इस बंदे का लूट रूम होगा, कैबिनेट के आसपास कई का इलाका है, क्योंकि देखो स्टील का बना है ठीक है पास में, तो क्या लूँ यहाँ से, क्या लिया जाए, कुछ नहीं छोड़ते हैं। और इस टाइप पे क्या है, इस टाइम पे यहीं पे तो है वो यार, इस साइड पे देखते हैं, इसमें भी वायर, मतलब वायर को बोल रहा हूँ अपना जो पाइप लगा के रखे हैं। अरे भाई साहब अरे मुझे अभी पड़ी ना एक भी, ओ भाई अरे चिमकांडी फंस गया क्या तू, नहीं निकल दे, ये नीचे वाला बॉक्स चेक करना भूल गया। अच्छा इसमें कोड लगा है, इसने कोड लगा रखा होगा, चेक करूँ क्या का कोड, चलो छोड़ दो एक मिनट, इसके अंदर देखा था क्या, हाँ इसके अंदर देखा था, देखा था आउटर वॉल है देखा क्या उसके अंदर। अब इन लोगों के पास आउटर वॉल की रेसिपी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आउटर वॉल है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन आउटर वॉल लोगों को पता होगा ना, मैंने वीडियो बना के रखा है आउटर वॉल से रिलेटेड, दो दो बनाया, लेकिन मुझे लगता है ना वो सफिशिएंट नहीं है चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताया ना, तो उसके अगर थोड़ा सा और चीज़ें उसमें ऐड कर दिया जाए तो और बेहतर बन सकता है ठीक है। मैं तो बस टेस्ट किया था बॉम्ब का टेस्ट, लेकिन उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, किस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, अगर वो मैं अगर अच्छे से बता पाता तो अच्छा होता गाइस, तो फिर कभी बताऊंगा अगर ठीक है, मतलब तो कभी ना कभी गाइस फिर से उसके ऊपर वीडियो आएगा, क्योंकि अपडेट वगैरह आते हैं कुछ चीज़ें चेंज होती है, तब मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि दो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है
और तीसरा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनाना चाहिए, तभी अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट चलते हैं ऊपर और देखते क्या। अरे भाई साहब देखो, पूरा बेस मुझे ऐसा लग रहा है ना खाली है गाइस, ठीक है। अभी तक तो कोड डालते हैं यहाँ पे भी, एंट्री कर लेते हैं। अरे चिमकन डिग्री हो गया। अरे खोल दे दरवाज़ा, खोल दे कोई, तो फंस गया क्या मैं। कोड डालता हूँ फटाफट, ये भी गलत है, कूद लेता हूँ फटाफट। मैंने बहुत टाइम कोशिश किया गाइस, कुछ काम नहीं बना। उसके बाद मैंने यहाँ से छलांग मार दिया और 6 HP के साथ मैं ज़िंदा बचा। अब देखते हैं क्या सीन होता है, क्या मैं मर पाऊँगा गाइस, मतलब क्या मैं बच पाऊँगा गाइस। शायद लग रहा है बच पाऊँगा, चल बच गया मैं। अरे यहाँ पे एक छोटा सा सीढ़ी लगा देता तो अच्छा होता है यार, उछल के जाना पड़ता है। स्मूथ ना चलेगा तो मज़ा नहीं आता। चलो किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, ये वाला डोर है शायद वो जो ओपन नहीं हो रहा था। और इतना लंबा चौड़ा है गाइस ये वाला वीडियो मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे वीडियो तो जितना था उतना मैं कट कर दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बीच में जहाँ मैं कूद छलांग मार के नीचे आया था वहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। लगभग 4-5 मिनट के आसपास का टाइम था, मैं वहाँ पर एक बार मरने वाला था एकदम, बट मैं बच गया। और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं फटाफट, देखते हैं कौन सा। अरे यार गाइस आज का वीडियो बस कोड पे चला गया, लिटरली पूरा कोड ओपन करते करते ही पता नहीं दिन चला गया। मुझे पास में एक छोटा सा जब ना रूम बनाना पड़ेगा, सुजर को आज बोलूँगा कि मेरे लिए रूम बना दे, क्योंकि उसको टर्फ है शायद कैबिनेट में, तो उसी में मैं अपना सामान रखूँगा। बाकी बेस से रिलेटेड कोई ख़त्म गाइस, पूरे बेस से मतलब नहीं है गाइस, मुझे अपने छोटे से रूम से मतलब होगा, रूम करूँगा और फार्मिंग वगैरह करके अपने बेस के अंदर रहूँगा मस्त, ठीक है। उसके बाद जब बेस रेड टाइम स्टार्ट हो जाएगा एकदम मस्त पूरा फुल सर्वाइव करने का टाइम, तभी अपना पूरा लूट के साथ हमला कर दूँगा सारे बेस पे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लीजेंड का सहारा और बनेगा वीडियो हमारा, क्या बात है, क्या स्लोगन है गाइस, लिटरली मज़ा आ गया। इतने सारे डोर, लिटरली मैं बोर हो जाता हूँ, ठीक है। इतने सारे डोर मुझे पसंद नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं है फटाफट। अरे चिमकन डिग्री, सिंपल नहीं बना सकते क्या लोग डोर को, मतलब बेस को इतने सारे डोर के साथ बना दिए, शायद कोई फायदा होगा गाइस इससे। देखा हमें कितनी देर लगा गाइस छोटे से बेस से निकलने में, मतलब बड़े से बेस से निकलने में, फटाफट चलते हैं। अरे सामने किल कर दिया चिमकंडी, मुझे मत मारना, मेरे सामने किल हो गया गाइस, बट गोली चली कहाँ से, ऊपर से चली हुई क्या। अगर पीछे चलेगा तो मुझे भी लगना चाहिए था ना गोली गाइस, इसी को क्यों लगा, स्कोप लगा के मार दिया क्या। चलो जो भी हो गाइस, क्या करना उस समय। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी लीजेंड के सेवर के लिए मिलूंगा किसी और वीडियो में। चले बाय बाय।